नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी टेकनिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। दुनिया भर में नए साल 2024 का स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया है। लोग आतिशबाजी और रंग बिरंगी रोशनी के साथ नववर्ष का जश्न मना रहे हैं। भारत में भी हर्षोल्लास के साथ नया साल का जश्न मनाया जा रहा है। टेकनिया इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। I, Dr. Ajay Rathore, Director, Technical Institute of Advanced Studies, wishes you and your family a very happy and warm New Year. We hope that 2024 holds success, wellness and good fortune in all your endeavors and brings a lot of possibilities and hopes for all of you. With warm regard, thank you very much. Hello, my dear friends, my relatives, my students. Happy New Year 2024. Cheers for new beginning, cherished memories and wonderful journey that lies ahead for you all in the new year 2024. Once again, I wish you all Happy New Year. Wish you a very Happy New Year. May this year bring lot of joy and prosperity. May this year bring lot of extraordinary chapter in your life. God bless you. Thank you. Happy New Year. Wish you all a very, very happy new year. May all your dreams come true this year. Very happy and prosperous new year. Technia TV wishes you all a very happy, healthier and prosperous new year. May God shower all his blessings on you and this year unfolds the new chapters of love, happiness and success in your life. साल के पहले दिन से यूपीआई पेमेंट के नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले एक साल से यूपीआई ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपका अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है। इसके साथ ही अब यूपीआई के जरिए एक दिन में किए जाने वाले पेमेंट की राशि भी बढ़ा दी गई है। अब एक दिन में आप 1,00,000 रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई पेमेंट की सीमा पहले ही बढ़ाकर 5,00,000 रुपए कर दी गई है। नए साल में अब आपके लिए हेल्थ पॉलिसी लेना आसान हो जाएगा। देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियां 1 जनवरी 2024 के बाद जो भी हेल्थ पॉलिसी जारी करेगी उसके साथ पॉलिसी होल्डर को एक कस्टमर इंश्योरेंस शीट भी देनी होगी। इस शीट में पॉलिसी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आसान शब्दों में लिखी होगी। इसमें क्लेम लेने के तरीकों को भी आसान शब्दों में बताया जाएगा और शिकायत निवारण अधिकारी का नंबर भी दिया रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ नए साल 2024 का स्वागत किया है। उपग्रह को पीएसएलवी C-58 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। इस उपग्रह को विशेष रूप से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के अध्ययन के लिए तैयार किया गया है। इस उपग्रह को लॉन्च करने के बाद भारत उन्नत खगोल विज्ञान वेधशाला लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। युद्धपोतों और विध्वंसक युद्धपोतों को मिलाकर बनाए गए कार्य समूह के जरिए व्यापारिक जहाजों की सहायता और समुद्री सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए लंबी दूरी के समुद्री गश्ती युद्धपोत और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की भी तैनाती की है। सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। रविवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक एक रिपोर्ट सबमिट करेगा जिसमें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि को कवर किया जाएगा। आयोग के सदस्यों को लेकर अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। साल 2023 के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए युवाओं की फिटनेस पर जोर दिया है। मन की बात कार्यक्रम के 108वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा है कि विकसित भारत को लेकर हर तरफ आशा और उत्साह है और विकसित भारत का लाभ युवाओं को तभी मिल सकता है जब वे फिट होंगे। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के लिए 14 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत हो जाएगी। एग्जाम के लिए उम्मीदवार 5 मार्च 2024 तक आवेदन भर सकेंगे जबकि 26 मई को यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है।
डेविड वार्नर ओडीआई प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के छठवें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओडीआई में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में वार्नर दूसरे नंबर पे है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड पहले नंबर पर कायम है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन खत्म हो गया है। 29 दिसंबर को सीजन के आखिरी दिन अभिनेता ने नम आंखों से शो को अलविदा कहा। केबीसी के इस सीजन में दो प्रतिभागियों ने 1-1 करोड़ रुपए जीतकर करोड़पति बनने का खिताब हासिल किया, जबकि अन्य कई प्रतिभागियों ने लाखों रुपए जीतकर अपनी किस्मत चमकाई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।